Sağ करो सब करो अली साहब इंसाफ करो जी सर, आज हमारा 25वां दिन है यहाँ प्रोटेस्ट का। कंटिन्यूसली हम यहाँ पे लगे हुए हैं। डे वन से की डिमांड कर रहे हैं कि हमें जवाब दो। हम बोल रहे हैं करप्शन के खिलाफ हम बैठे हुए हैं, आपको अगर कोई कल्प्रिट मिलता है उसको बाहर कीजिए। थक गए हम बोल बोल के सर, लेकिन ये बंदे हमारे पास नहीं आ रहे हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अभी यहाँ पे है, जो अभी टॉप नॉच है यहाँ पे, बट उनमें से भी कोई बंदा यहाँ नहीं आ रहा। एलजी ऑफिस से कोई बंदा नहीं आ रहा, डेवकॉम सर की ऑफिस से कोई बंदा नहीं आ रहा है कि हमें जो यहाँ पे बोले कि भाई आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी सिलेक्शन लिस्ट को हम स्क्रैप नहीं करेंगे, अगर कोई भी आपको ट्रेसेस मिलते हैं उनको हम बाहर करेंगे। इतनी सी बात कहनी है सर, इसमें ये लड़खड़ा रहे हैं, कहने में मुझे समझ नहीं आ रही क्यों। और अभी परसों रेड्स पड़ी, जो कह रहे हैं सीबीआई की, अखनूर एरिया में पड़ी हुई है। JKPSA में जो इन्वॉल्व थे बंदे सर, उनमें JKSSB ऑफिशियल्स के नाम आ रहे हैं और ASI पता नहीं किस किस के नाम आ रहे हैं। सर आप हमें इतना बताइए, अगर आपको SSB के बंदे इसमें इन्वॉल्व है, कि आपने SSB को स्क्रैप किया नहीं किया, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? ये कर रहे हैं और पोस्ट नोटिफाई, ये कर रहे हैं फॉरेस्टर की पोस्ट नोटिफाई, ये कर रहे हैं फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की पोस्ट नोटिफाई, ये कर रहे हैं VLW की नोटिफाई, किस लिए? ताकि और स्कैम करें। और हमारे भाई जो आगे एग्जाम देने वाले वो रोड पे आ गए, हम क्यों दे एग्जाम सर? हम क्यों भरे फॉर्म इस एजेंसी का जो खुद स्कैम कर रही है? JKPSI में हमें इनने कहीं का नहीं छोड़ा सर। क्या कर दिया? पहले स्क्रैप किया, फिर CBI की इंक्वायरी बिठाई। पहले इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई, स्क्रैप क्यों किया पहले? अगर आपको बंदे आइडेंटिफाइड थे, आपके पास प्रूफ थे, आपने आज रेडे मारी, किसी बेस पे मारी ना रेडे, तो आपने स्क्रैप क्यों किया? आप उनको बाहर कर देते, PSI के जो 7200 डिजर्विंग थे, एटलीस्ट उनके साथ तो इंसाफ हो जाता। और आप कर रहे हैं FA की बात, आपने इंक्वायरी बिठा दी FA पे, हमने वेलकम किया सर। हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदे इसमें निकलते हैं सर, सबसे पहले तो हमारे कसूरवार है ना, उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं ना, जो PSI में इन्वॉल्व है उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं ना सर, सबसे पहले उनको आप हमारे हवाले कीजिए सर, वो हमारे गुनहगार है, फिर आपके होंगे। बट सर ये स्क्रैप गेम नहीं खेलिए, स्क्रैप पॉलिसी धब्बा है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, आपकी नाक के नीचे। आपने UT दे के वादा किया था ना, वादा किया था कि एम्प्लॉयमेंट देंगे, वादा किया था बेरोजगारी खत्म होगी, वादा किया था करप्शन खत्म हुआ, तो हुआ नहीं सर। PSI का इतना बड़ा रिक्रूटमेंट, इनके अंदर स्कैम हो गया सर, इनके नाक के नीचे ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे स्कैम हो रहे, इनके बंदे इसमें इन्वॉल्व है, उनको बाहर निकालेंगे लेकिन पूरी एजेंसी को स्क्रैप नहीं करेंगे, ये तो बहुत गलत बात है ना सर। ये हमारे बच्चों के जो मासूम बच्चे यहाँ डिजर्विंग है 972, हम यहाँ पे ये हमारे गले पे छुरा चला रहे हैं सर, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे सर। 25 दिन हो गए सर, ना धूप दिख रही है ना बारिश दिख रही है, माँ बाप को पता नहीं हम कहाँ है, लगता है उनको लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं बेचारे बच्चे, दे रहे हैं खर्चे सर, दिन ब दिन खर्चे देते जा रहे हैं, कितना करेंगे माँ बाप भी। अब हमारी जिम्मेदारी है हम उनका सहारा बने, लेकिन अभी भी हम उनसे मांग रहे हैं, किस लिए? अपने हक के लिए। 1.5 लाख बच्चों में से हम खड़े होके यहाँ पे बंदे आए, और ऑब्वियसली बात है सर, हर एग्जाम में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स चंद होते हैं और जो नॉन सिलेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो हर जगह पे आएंगे स्कैम करके, आप हर एक रिक्रूटमेंट को क्वेश्चन करोगे? ऐसा नहीं होता। अभी भी ग्रीन बेल्ट में सर कुछ बंदे बाइट दे रहे हैं, जो भटके हुए बंदे सर हमारे, भटके हुए, उनको चाहिए हमारे साथ खड़े हो जाएं। हम भी सिर्फ चाहते हैं कि बंदे बाहर निकलें। JKPSI के साथ गलत हुआ है, स्क्रैप नहीं होना चाहिए था, बंदे उधर भी फिल्टर होने चाहिए थे, ये नाइंसाफी है उन सब के साथ। और आप बोल रहे हो ना कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो, जस्टिस की बात करते हो, प्रेम्बल में मेंशन है, कहाँ है जस्टिस? 25 दिन से हम रोडों पे बैठे हुए हैं, ये आपका जस्टिस है सर? ऐसा जस्टिस हमें नहीं चाहिए, ऐसा जस्टिस हमें ज़रूरत भी नहीं है सर। सिंपल सा एक एश्योरेंस चाहिए कि हाँ भाई आपके साथ इंसाफ होगा, इतने वर्ड्स, इतना सा 3 लफ्ज़, आपके साथ इंसाफ होगा, ये बोलने में इतना थर्रा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही इन पे कौन सा प्रेशर है ऐसा सर। बस यही डिमांड है, सिलेक्शन लिस्ट रिलीज़ कीजिए, 25 दिन हो चुके हैं, 1 महीना होने को आया है, वरना हम रोड्स पे आने को सर रेडी हो गए हैं, अब इतनी हालत ख़राब हो गई है सर। जो इन पे एलिगेशन लगते हैं, एक्सपोज कर रहे हैं हर चीज़ को मीडिया के सामने आके दिखा रहे हैं कि ये चीज़ें देखो, हम यहाँ पे भी सच्चे। और दूसरी तरफ अगर आप देखो, एक ग्रुप उठता है, 15 दिन के बाद आता है, 2 बंदे कैमरे के सामने आते हैं और सरकार को धमकी दे के चले जाते हैं। इवन के सरकार ने CBI भी बिठा दी, फिर भी उस ग्रुप का देखो, उस ग्रुप की ये देखो कि वो ग्रुप कहाँ हमारी सरकार पे क्वेश्चन खड़े कर रहा है। अगर आप देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो हमारी CBI पे, CBI की क्रेडिबिलिटी पे उनको सवाल है कि आप छोटे छोटे बंदों को पकड़ रहे हो, बड़े बड़े बंदों को नहीं पकड़ रहे हो, मीन्स की CBI भेदभाव कर रही है। ये उनके मुताबिक, अगर उनके मुताबिक नहीं है कि आप छोटे छोटे बंदों को पकड़ रहे हो आप बड़े। और दूसरे दिन आते हैं सर वो, तो हमारे 4 लिंक यहाँ से जोड़ देते हैं, 5 लिंक यहाँ से जोड़ देते हैं, हम सरकार के हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मीन्स कि हम तो स्टूडेंट हैं,
मीन्स कि हम तो लीगल मैटर में उनके साथ कुछ कर नहीं सकते। सर आप तो कोई एक्शन ले सकते हो कि जो बंदे हमारे बच्चों को, बेगुनाह बच्चों को बिना मतलब के किसी लिंक में सर दूसरे दिन इन्वॉल्व कर देते हैं, किसी की DDC का लिंक किसी बच्चे के साथ, किसी हस्बैंड का लिंक किसी और हमारी बच्ची के साथ, मीन्स कि ये सारे लिंक आगे के पीछे सर अगर आप लिंक जोड़ते जाओगे, आपका मेन मुद्दा क्या है सर? मीन्स आपका मेन मुद्दा क्या है कि मार्केट में एक नरेटिव सेट कर दो, फास्ट कैम फास्ट कैम फास्ट कैम। अब वो नहीं होगा, अब नहीं होगा, जनता देख रही है। पिछले 25 दिनों से जितनी इस ग्रुप ने मेहनत की है ना, जितना इस ग्रुप ने अपना सच दुनिया के सामने लाया, मेहनत कोई हमने फॉल्स नैरेटिव नहीं सेट किया, जो जो एलिगेशंस लगाए वाहिद ग्रुप ने पूरे पूरे एलिगेशंस मींस के आपके सामने आके अगर हम वो एक एक एलिगेशंस को काउंटर किया, एक एक एलिगेशंस का हमने रिप्लाई किया, तो फिर समझ नहीं आती क्यों उठ के आ जाते हो सर, मीन्स के क्यों उठ के आ जाते हो? आपको आपका हर काम जो है वो CBI गवर्नमेंट कर रही है। आपने CBI की मांग की, हमने डिमांड की CBI की, आपने क्या की थी? हमने वेलकम भी किया CBI का, हमने वेलकम किया CBI का, क्योंकि ये ग्रुप चाहता था। आप जो हो वो असल में आप जो है ना, ये चाहते हैं सेकंड चांस वाले बंदे, इनको मौका नहीं लग रहा बाहर कैसे आया जाए, ये सोचते हैं बाहर कैसे आया जाए। CBI भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, सरकार सब कुछ कर रही है, फिर भी मुंह उठा के आ जाते हो, कुछ तो शर्म करा करो यार।